तो दोस्तों मोबाइल फ़ोन्स तो हम सभी चलाते हैं, पर क्या आपके मन में कभी ख्याल आया कि आपके फ़ोन की हो रही है जासूसी, या फिर आपके पर्सनल डाटा की हो रही है जासूसी, या फिर आपका पर्सनल डाटा किसी थर्ड पार्टी को किया जा रहा है शेयर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक ड्यूरेबल के फ्रेश एपिसोड में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं स्पाईवेयर के बारे में। स्पाईवेयर माने मैं किसी जासूस के बारे में बात नहीं करने वाला हूँ जो कि हमारी जासूसी करता है किसी के कहने पर, पर मैं आपसे बात करने वाला हूँ कुछ ऐसे हार्मफुल ऐप्स के बारे में जो कि हम कभी कभी इंस्टॉल कर लेते हैं और उनसे हमारा जो पर्सनल डाटा होता है और वो शेयर हो जाता है किसी थर्ड पार्टी को, या फिर हमारे क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड के पासवर्ड भी चोरी हो जाते हैं जो कि हम डेली यूज़ करते हैं। तो इस वीडियो में आप सबको बताने वाला हूँ कि स्पाईवेयर क्या होता है और कैसे हम इनसे बच सकते हैं। तो जल्दी से शुरू करते हैं हमारा वीडियो, लेट्स गो डिलीवर। तो दोस्तों बात करते हैं कि आखिरकार स्पाईवेयर होता क्या है। अगर मैं आपसे टेक्निकल टर्म में बात करूं तो स्पाईवेयर एक तरह का सॉफ्टवेयर है जो कि एक पर्सन या फिर एक किसी ऑर्गेनाइजेशन के डाटा को किसी थर्ड पार्टी को सेल कर देता है। यहाँ पर हम बात करें स्पाईवेयर के टाइप्स की, तो यहाँ पर स्पाईवेयर जो है चार टाइप्स में आते हैं। एक होता है एडवेयर, एक होता है ट्रोजन्स, और एक होता है सिस्टम मॉनिटर्स, और एक होता है ट्रैकिंग कुकीज़। तो ये है चार टाइप्स स्पाईवेयर के। तो दोस्तों बात करते हैं, हाल ही में गूगल ने एक स्पाईवेयर को डिटेक्ट करा जिसका नाम था लेपिजन। ये स्पाईवेयर इतना ताकतवर था कि वो आपके पूरे एंड्रॉइड डिवाइस को कंट्रोल कर सके, पर यहाँ पर गूगल ने उसका सोल्यूशन भी निकाल लिया और उसे कर दिया डीएक्टिवेट। जो गूगल के रिसर्चर है उन्होंने ये माना है कि ये स्पाईवेयर इतना ताकतवर था कि ये आपके सभी कॉल्स या फिर सभी आपके रिकॉर्डिंग्स या फिर आपके सभी मीडिया प्लेयर्स या फिर आपके सभी जितने भी मीडिया फाइल्स हैं उन सबको एक्सेस कर सकता था, यहाँ तक कि आपके लोकेशन भी ये एक्सेस कर सकता था। अब आप भी जान समझ सकते हैं कि इतनी सारी चीज़ें अगर आपके बारे में कोई और जानता है तो वो आपके लिए कितना हानिकारक हो सकता है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि स्पाईवेयर अपने मोबाइल में कैसे आता है। तो यहाँ पर मैं बात करूँ कि स्पाईवेयर अपने मोबाइल में कैसे आता है, तो ये हमारी वजह से ही आता है। कभी कभी हम क्या करते हैं कि हम कुछ मेलिशियस ऐप्स को डाउनलोड कर लेते हैं जो कि हमारे फ़ोन में नहीं होनी चाहिए और जिसको हमारा फ़ोन ऑथेंटिकेशन नहीं देता है, फिर भी हम उसे डाउनलोड कर लेते हैं। तो उसके थ्रू ये स्पाईवेयर्स आ जाते हैं और हमारे फ़ोन की सभी डिटेल्स को एक्सेस कर देते हैं, या फिर हम कभी कभी कुछ ऐसे लिंक्स पे क्लिक कर देते हैं जो कि हमें नहीं करना चाहिए और उसके थ्रू भी ये स्पाईवेयर्स आ जाते हैं हमारे फ़ोन में। यहाँ पर जो फर्स्ट सजेशन आती है मेरी तरफ से आपके लिए कि आपको कोई भी थर्ड पार्टी आपको इंस्टॉल नहीं करना है अपने फ़ोन में, यहाँ पर आपको उन्हीं ऐप्स को इंस्टॉल करना है जो कि गूगल प्ले स्टोर पे या फिर आपके ऐप स्टोर पे है। तो यही आपके लिए सेफ रहेगा कि आप किसी भी थर्ड पार्टी ऐप को इंस्टॉल ना करें अपने फ़ोन में। यहाँ पर जो दूसरी सजेशन आती है मेरी तरफ से आपके लिए वो ये है कि हमेशा आप ऐप की परमिशंस को चेक करें उसे इंस्टॉल करने से पहले। यहाँ पर आप देखें परमिशंस में कि वो आपकी लोकेशन मांग रहा है, तो वो आपकी लोकेशन क्यों मांग रहा है। अगर आपको सही लगता है कि उस ऐप को आपकी लोकेशन पता होनी चाहिए तभी आप उस ऐप को इंस्टॉल करें। तो यहाँ पर परमिशंस जो होती है वो देखना भी बहुत ज़रूरी होता है ऐप को इंस्टॉल करने से पहले। यहाँ पर एक और सजेशन निकल के आती है कि आप किसी भी अननोन ईमेल अटैचमेंट को कभी भी ओपन ना करें या फिर अननोन सोर्स से आए हुए किसी भी लिंक को ना खोलें, क्योंकि ये एक स्पाईवेयर का सोर्स हो सकता है जो कि आपके फ़ोन में अटैक कर सकता है। तो दोस्तों बस यही थी आपके लिए थोड़ी सी जानकारी स्पाईवेयर के बारे में, ताकि आप अवेयर रहे और ऐसे किसी ऐप को इंस्टॉल ना करें जो कि स्पाईवेयर का सोर्स हो। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है या फिर आप कुछ पूछना चाहते हो तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं, और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि मैं आपके लिए रोज़ाना ऐसे वीडियोज़ लाता रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।